हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलमी 13 प्लस 5G में किस तरह से थ्री फिंगर के जरिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए आपको आ जाना है सेटिंग में और ऊपर सर्च के ऑप्शन में लिखना होगा आपको स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा स्क्रीनशॉट। जैसे आप टाइप करेंगे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो जैसे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको देखता है उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन मिलता है, तीनों को आपको चालू कर देना है। फिलहाल मेरे मोबाइल में आप देख रहे हैं तीनों चालू है, इस प्रकार से आपको बंद मिलेगा। तो आपको फिलहाल इसको तीनों को चालू कर देना है। फिलहाल इस तरह से चालू कर देना है। चालू होने के बाद आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर के जरिए जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं ये सेट करने के बाद। तो इस तरह से आपको आना है अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर और उसके बाद ये तीनों ऑन कर देना है। और नीचे भी कुछ ऑप्शन मिलता है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको एडिट करना है कि नहीं एडिट करना है। स्क्रीनशॉट लेते हो तो लेफ़्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए, इसमें सारा ऑप्शन है। फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट का ऑप्शन, तो आपको लेफ़्ट में चाहिए स्क्रीनशॉट तो लेफ़्ट रखिएगा, राइट में चाहिए तो राइट। आप अपने हिसाब से इसमें आप एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। आपको जहाँ भी स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको दोनों में जो भी साइड में चाहिए आप उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।